जानेंगे पाठ्यक्रम नियोजन के जो मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं, जब भी हम पाठ्यक्रम का बेसिस बनाते हैं या पाठ्यक्रम का डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, खासकर आजकल जो हम करिकुलम बना रहे हैं तो उसमें हम मनोवैज्ञानिक आधार को जरूर ध्यान रखते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार का मतलब हो गया एक जनरल वे में कि बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों के नीड और इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान देना। तो जब भी हम साइकोलॉजिकल बेसिस की बात करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट बेसिस में चार डिफरेंटेड ब्रांच, जैसे कि आपने सेकंड सेमेस्टर में थ्योरी पढ़ा है, ये उसी बेस से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम जानते हैं मनोवैज्ञानिक आधार को चार भाग में बांटा गया है। पहला है मानवतावाद, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बिहेवियरिज्म, देन संज्ञानवाद की बात करते हैं जो कॉग्निटिव अप्रोच से रिलेटेड होता है, और संरचनावाद जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बोली जाती है। तो ये चार आधार होते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम मानवतावाद की बात करते हैं। देखिए, मानवतावाद की बात होती है वहाँ पर वैल्यू से रिलेटेड एजुकेशन की बात होती है कि हम बच्चों के मनोवैज्ञानिक को ऐसे सेट करें कि वो वैल्यू रिलेशन को जान सके, वैल्यू के मूल्यों को जान सके, रेस्पेक्ट को जान सके, समाज में रहते हुए उनका इस तरह से बिहेवियर लाना है कि वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को जान सके। तो इसमें सीखने की स्वतंत्रता होती है, साथ ही साथ मूल्यों का स्पष्टीकरण कि कौन से मूल्य ज़रूरी हैं, कौन से मूल्य बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। मानवता पर बल दिया जाता है। मानवता का मतलब यहाँ होता है, मैंने पहले आपको भी बता चुकी हूँ इसके पहले, मानवता का मतलब होता है बालकों के अंदर सहानुभूति, दयालुता, परोपकारिता, ईमानदारी जैसे गुणों का समावेश करना। तो वन वर्ड में बोल सकते हैं, बच्चों के अंदर अच्छे मूल्यों का समावेश करना ही मानवतावाद अप्रोच बोलता है। तो जब भी हम करिकुलम बनाएंगे तो मानवतावाद अप्रोच में इसी का ध्यान रखेंगे। दूसरा बात करते हैं बिहेवियरिज्म की, व्यवहारवाद की बात करते हैं। थोड़ा सा बैक में आप जैसे सेकेंड सेमेस्टर में जाइए, वहाँ पर आप देखिएगा कि हमने आपको स्किनर के द्वारा, और थॉर्नडाइक तो नहीं पढ़ा था, स्किनर और पेवलोव ने बिहेवियर मॉडिफिकेशन पढ़ाया था। उसमें चूहे का बिहेवियर चेंज कैसे किया जाता है, उसको रीइंफोर्समेंट जो होता है फूड पार्टिकल्स देके उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो व्यवहारवाद उसी पे बात करता है, इसमें व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। वहाँ रीइंफोर्समेंट दिया जाता है ना, चूहे को खाना दिया जाता है जिसके कारण उसका बिहेवियर में चेंज आ जाता है, वो लीवर को दबाना सीख लेता है। तो यहाँ मोटिवेशन मिलता है, चूहे को खाना मिल जाता है, फिर वो उस क्रिया को करना सीख लेता है, और व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान रखा जाता है। तो जब हम बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाएंगे तो व्यक्तिगत विभिन्नता, अभिप्रेरणा और परिवर्तनों का अध्ययन की बात करते हैं। उसके बाद हम संज्ञानवाद की बात करते हैं। थोड़ा सा पियाजे थ्योरी याद कीजिएगा, कॉग्निटिव अप्रोच से रिलेटेड है, हमारा मेंटल प्रोसेस से जो रिलेटेड होता है। मानसिक विकास की जो बात करते हैं, तो मानसिक विकास कैसे करेंगे, हम आलोचनात्मक चिंतन का विकास की बात करते हैं, जिसमें बच्चों में गुण दोष की परख हो जाती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, समस्या समाधान की शक्ति, सृजनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट और कल्पना शक्ति का विकास होना। तो ये हमारे सभी मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है, जो कम्युनिटिव अप्रोच में ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वैक में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है, पियाजे थ्योरी से रिलेटेड है। देन हम बात करते हैं रचनात्मकवाद, ये सोशल अपरेटस को भी ध्यान में रखते हैं। बच्चों के जो संज्ञानात्मक संरचना है ना, मेंटल प्रोसेस को तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन मेंटल प्रोसेस के साथ साथ हमारे सामाजिक संरचना को भी ध्यान देते हैं, वो हमारा रचनावाद कहलाता है। ठीक है, रचनावाद में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बंडूरा और ब्रूनर को याद कीजिएगा कि बंडूरा ने बात की थी कि सोशल एस्पेक्ट के साथ बच्चे जो होते हैं सीखते हैं, तो ये रचनावाद में सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बंडूरा थ्योरी सामाजिक प्रक्रिया की बात करता है। सहयोग, रैकी पोर्कल थिंकिंग जो मैंने आपको बंडूरा थ्योरी में पढ़ाया था कि पारस्परिक सीखने की बात करते हैं। उच्च स्तरीय चिंतन की बात होती है, इसमें पूर्व ज्ञान पर रिलेटेड किया जाता है, प्रीवियस नॉलेज से बच्चा सीखता है, और सामूहिक अंतःक्रिया पर इसमें ज़्यादा बल दिया जाता है। थोड़ा बंडूरा थ्योरी को दिमाग में लाइएगा आप, वहाँ रैकी पोर्कल थिंकिंग की बात की, सामूहिक अंतःक्रिया की बात की। तो इस तरह से जब हम जब पाठ्यक्रम का नियोजन करते हैं, पाठ्यक्रम का डिटर्मिनेशन करते हैं, तो साइकोलॉजिकल बेस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो साइकोलॉजिकल बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। और इसमें चार बातों को ध्यान में रख के हम करिकुलम का डिटर्मिनेशन करते हैं, अर्थात जो निर्धारण करते हैं करिकुलम का, तो यही मनोवैज्ञानिक आधार को हम ध्यान रखते हैं। मानवतावाद, व्यवहारवाद जिसमें बिहेवियर का चेंज की बात करते हैं, संज्ञानवाद बच्चों के मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं, और रचनावाद जिसमें मेंटल प्रोसेस के साथ साथ उसके सामाजिक आवश्यकताओं का भी या सामाजिक इंटरेक्शन या सहयोग की भावना का भी ध्यान में रखते हैं। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।